अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। आज की वीडियो में जो है हम ये सीखेंगे कि शटरस्टॉक पे अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, वो है रेफरल लिंक। सबसे पहले आप उसको ओपन कर लें, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ जी। सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको, आप यहाँ पे जाके गेट स्टार्टेड भी कर सकते हैं और यहाँ से साइन अप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ गेट स्टार्टेड पे। अच्छा, ये आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म में आपने जो है अपनी डिटेल्स पुट करनी है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आपका कोई भी नाम है। जैसे आप अपना नहीं देना चाहते, कोई कंपनी है आपकी, आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे माय स्टॉक्स, ठीक है, अपना कंपनी का नाम लिखें। सेकंड लाइन जो होगी आपकी यूज़र नेम होगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर भी शायद देखने को मिले, क्रॉस आ रहा होगा या इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इन दोनों नामों के बीच में से स्पेस ख़त्म कर देनी है और आगे नाम के आगे जो है आपने कोई भी अपना नंबर यूज़ कर लें, 1, 2, 3 कर लें, 0, 5 जो भी आपका लकी नंबर है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 5, 5, ठीक है। 2 times मैंने 5 प्रेस करके जब मैंने साइड पे क्लिक किया तो ये टिक हो जाएगा, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लगा देना है। तो फर्स्ट में आपने अपना नाम लिखा फुल, दूसरे में आपने यूज़र नेम बनाया और तीसरे में जो है आपने यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी कोई जनरेट कर देता हूँ। ये मैंने एक टेम्परेरी ईमेल आईडी यहाँ से ली और मैंने इसको फिल कर दिया। उसके बाद आपने ये क्लिक करना है आई सर्टिफाई दैट आई एम 18 और ओल्डर। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो ही आप यहाँ अकाउंट बनाइएगा। उसके बाद ये आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा पिक्चर्स की सूरत में। वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल्स की जो पिक्चर्स हैं, आपके केस में बस भी आ सकती हैं, शिप्स आ सकती हैं, सिग्नल आ सकते हैं। तो मेरे पास अभी इन्होंने मोटर बाइक्स का पूछा है तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वेरीफाई किया तो सॉरी मैंने पासवर्ड ही नहीं डाला। पासवर्ड यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने ये आई सर्टिफाई पे क्लिक हुआ हुआ था और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये शटरस्टॉक जो है आपके जो ईमेल आपने लिखा होगा उस इनबॉक्स में आपको एक ईमेल भेजेगा और कहेगा कि आप उसको वेरीफाई करें। तो आपने उस ईमेल पे जाना है वापस, और मैंने जो टेम्परेरी ईमेल दी हुई थी उसका मैं रिप्लाई का वेट कर लेता हूँ। लाइक मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो चेक करते हैं। ले जी आ गई हैं, वो दोनों ही आ गई हैं एक साथ। तो हम कोई सी भी एक खोल लेते हैं और जब ईमेल ओपन करेंगे आपके पास ये पहला लिंक आ रहा होता है ब्लू कलर में, प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने शटरस्टॉक जो है कंट्रीब्यूटर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर आ जाएंगे। आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी, थैंक्स योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आएगा जो कि आपसे पूछेगा कि प्लीज़ एंटर योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। लाइक पहले बताएं आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप यूएई से हैं तो आपने अपना यूएई सिलेक्ट करना है, यूएसए, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जो भी होगा वो आपने अपना कंसर्न कंट्री। मैं अभी पाकिस्तान में हूँ फिलहाल, तो मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ। एड्रेस में जो आपका एड्रेस होगा वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउस नंबर 1 2। जैसे ही आप ये सारा फिल कर लें उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रेस करते ही जो है आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, आपको वेलकम करेगा कि वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कांट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क, ठीक है। अब इसमें
एक अपलोड का बटन दिख रहा है और एक उसके नीचे है गो टू योर डैशबोर्ड। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाएं, जो आपकी मतलब मेन स्क्रीन होगी, हम वो देख लेते हैं वो क्या है। अच्छा, जैसे ही हम डैशबोर्ड पे आए तो हमारे सामने ये एक डैशबोर्ड का व्यू आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इनका शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर का लोगो है, लोगो, और सबसे राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक ऐड का बटन है जिसमें अपलोड मीडिया और क्रिएट न्यू कलेक्शन की ऑप्शन आ रही है, और उसके बाद आपके पास ये लॉग आउट के लिए एक है। ठीक है, आपका जो कंट्रीब्यूटर आईडी है वो ऑटो जनरेट हो गया है, इसको आपने कहीं संभाल के लिख के रख लेना है, और आपका ये जो नाम लिखा था आपने वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। उसके बाद मिड में देखा जाए तो ये आपसे कह रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये आपसे मतलब ये इमेजेस वगैरह की डिटेल्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद वो एक आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि ऑन जनवरी 1st अर्निंग्स लेवल फॉर ऑल कंट्रीब्यूटर्स रीसेट टू लेवल 1। ठीक है, ये इनका जो सालाना है जितने लेवल्स होते हैं ना सबको रीसेट कर देते हैं, और फिर जनवरी टू दिसंबर जिसका स्टॉक ज़्यादा होता है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ जाता है। थर्ड में वो कह रहे हैं वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग आवर प्लेटफॉर्म फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड ईज ऑफ यूज, एक्साइटिंग इम्प्रूवमेंट्स आर कमिंग सून। बाकी जो है ये मतलब मालूमात दे रहे हैं तो हम इनको भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके बाद अब देख लेते हैं हमारे पास ये सबसे लेफ्ट में देखें होम का बटन है। होम का बटन मींस आप जब क्लिक करेंगे आप डैशबोर्ड पे सीधा आ जाते हैं। उसके बाद नीचे उसके अर्निंग्स का बटन है, अर्निंग्स में आप अर्निंग्स वगैरह देख सकते हैं आपकी जो भी अर्निंग्स होंगी। माई रेफरल प्रोग्राम्स में आप अपने रेफरल्स देख सकते हैं कि आप भी किसी को रेफ़र कर सकते हैं, लाइक आप अगर आप कंट्रीब्यूटर हैं जैसे मैंने आपको रेफ़र किया है तो आप भी अपने से किसी दोस्त को फ्रेंड को उसको रेफ़र कर सकते हैं। जब आप माई रेफरल्स पे जाते हैं तो ये आपका एक आईडी जनरेट हो जाता है, ये आप इसको कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं कि वो भी अपना काम करें। रेफरल्स के अंदर आपको टोटल रेफरल अर्निंग्स नज़र आ रही होती हैं, टोटल रेफरल्स नज़र आ रहे होते हैं, और जो अब ये कैसे मिलती है। ठीक है, जब भी किसी आपके जब आपने किसी को इनवाइट किया होगा और उसने जब अपना काम अपलोड करके सेल किया होगा, उसके हर इमेज सेल होने पे आपको $0.04 मिलेगा। ठीक है, ये अमाउंट बहुत छोटी सी है, $0.04 बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। उसके बाद अगर उसकी कोई वीडियो डाउनलोड हुई तो उस वीडियो पे आपको उसकी अमाउंट का 10% मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको क्लियर हो गया ना, मतलब आप अपने दोस्तों को इसमें इनवाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद शेयर योर वर्क विद बायर्स। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बायर जो ख़रीद रहे होते हैं, कोई आपके कॉन्टैक्ट में कोई एजेंसी है, कोई क्लाइंट है जो ये चीज़ें ख़रीदता है, तो आप उसको भी यहाँ पे बुलवा सकते हैं, मतलब आप उसको इनवाइट कर सकते हैं कि आप शटरस्टॉक यूज़ किया करें, यहाँ से चीज़ें परचेज़ किया करें। अगर वो रेफरल लिंक देना है तो आपने इसको कॉपी कर लेना है और ये फिर उनको अपने दोस्तों को दे देना है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो का जो मेन्यू है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले आ रहा है सबमिट कंटेंट। लाइक अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक स्क्रीन चेंज हो गई है, अब डैशबोर्ड से हम कहीं और आ गए हैं। ये है सबमिट मेन्यू। ठीक है, सबमिट कंटेंट मेन्यू, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ये खाली खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। ठीक है, टू सबमिट फाइल है, पेंडिंग का एक मेन्यू है, उसके बाद रिव्यूड का मेन्यू है, उसके बाद इमेजेस के साथ आप जो है यहाँ टॉगल कर सकते हैं, अपनी वीडियोस और इमेजेस को देख सकते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे हमें अपलोड का बटन नज़र आ रहा है, यही बटन हमें डैशबोर्ड पे भी दिख रहा था वाइट कलर में, यहाँ पे रेड में है, और ये नीचे भी अपलोड का बटन आपको दिख रहा होगा, और सेम इसी तरह ऊपर जो लोगों के साथ ही पोर्टफोलियो है यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं, अपलोड, सबमिट कंटेंट, पेंडिंग कंटेंट, रिव्यूड कंटेंट और कैटलॉग मैनेजर। अच्छा, अगर हम कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं तो हम इधर से ही करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको इजी लगे, सबका एक ही प्रोसीजर है, सब एक ही जैसा काम करते हैं। अब फाइल अपलोड करने से पहले हम जो चीज़ें रह गई हैं वो देख लेते हैं। हम अर्निंग्स में थे, उसके बाद हम माई रेफरेंस देखी हमने, फिर हमने पेमेंट हिस्ट्री देखी। पेमेंट हिस्ट्री में जो है हम देख लेते हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हमने सिर्फ फ्रेश अकाउंट बनाया है, तो बस वो बता ये रहा है कि आप मिनिमम $35 पे आउट कर सकते हैं। ठीक है, पे इन ईयर के थ्रू, और बाकी दूसरे की लिमिट्स डिफरेंट हैं। उसके बाद अर्निंग्स में है टैक्स सेंटर,
टैक्स सेंटर में जो है आपसे ये फॉर्म पूछा जाता है, अगर आप यूएस बेस्ड हैं तो आप उस हिसाब से फिल करेंगे, और अगर आप यूएस बेस्ड नहीं हैं तो वो भी आपने देख के अपना ही फिल कर लेना है। उसके बाद जो है पोर्टफोलियो मेन्यू में भी वही सबमिट में तो हम जाके हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, जस्ट कैटलॉग मैनेजर नहीं देखा हम। कैटलॉग मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी खाली पड़ा है अभी, क्योंकि अभी कोई बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो कुछ है नहीं अभी इसमें देखने के लिए। बाकी ये चीज़ें वही हैं जो ऊपर हमें मेन्यू में दिख रही हैं, ठीक है। ये अर्निंग्स की चीज़ें हमने सारी देख ली थी, पोर्टफोलियो में भी ये तकरीबन सारी हैं। उसके बाद इनसाइट्स का बटन है। इनसाइट्स के बटन में सबसे पहले आप अपनी टॉप परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, लाइक अभी तो ये ज़ीरो है। जो भी आपका डाटा ज़्यादा सेल हो रहा होगा वो एक तरतीब के साथ यहाँ पे इस लिस्ट में मौजूद होता है, जिसको आप देख सकते हैं कि मेरा ये चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। अपने एनालिटिक्स देख सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं, आपको पता होगा कि मेरे किस महीने में साल में कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल होती है कौन सी कम होती है। उसके बाद इनसाइट्स के अंदर ही जो है हमें नेक्स्ट बटन मिलता है द शॉर्ट लिस्ट का। द शॉर्ट लिस्ट को जब हम ओपन करते हैं तो शटरस्टॉक हमें ये बता रहा होता है कि नेक्स्ट मंथ हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। जो शटरस्टॉक को लगता है कि हमारे पास ये कंटेंट कम है और हमें वो चाहिए, तो वो चीज़ें जो है शटरस्टॉक हमें यहाँ पे बता रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे शटरस्टॉक हर महीने जो है ना अगले महीने की चीज़ें, अभी क्योंकि जनवरी स्टार्ट ही हुआ है तो ये अब हमें जो है बता रहा है कि जनवरी में इनको क्या रिक्वायर्ड है। चार टॉपिक्स देता है हर महीने, मे बी इन फ्यूचर चेंज हो जाएं। तो पहला टॉपिक है ब्लैक हिस्ट्री मंथ, लाइक नेग्रो जो हबशी लोग होते हैं इनके हवाले से अगर आप कोई भी टॉपिक दे सकें, चाहे आप फ़ोटो दे लें, वेक्टर बना लें, इलस्ट्रेशन बना लें, लोगो बना लें, कोई सोशल मीडिया का टेम्पलेट बना लें, कोई बैनर बना लें, चाहे फोटोग्राफी कर लें इस टॉपिक पे, वीडियोग्राफी बना लें, वीडियो एडिटिंग कर लें, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, इन सब चीज़ों में से डिजिटल कंटेंट अगर आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसकी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग इज़ कूल, लाइक अगर कोई इमेज से जाहिर हो रहा है जो लैंग्वेजेस वगैरह और IT की फील्ड के हैं, वो सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो अगर उस फील्ड में रहते हुए कुछ अगर उसका आप कुछ बना सकें इन्हीं चीज़ों पे, सब जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने बताया है मिनिमलिस्ट इलस्ट्रेशंस के हवाले से। इलस्ट्रेशंस कोई भी हो सकती हैं, वो आप मिनिमल थीम पे रख के जो है इलस्ट्रेट कर सकते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे इमेज दी है कि एक पैटर्न है, लेकिन आप इसमें लोगो भी कर सकते हैं, फोटोग्राफ कर सकते हैं, पैटर्न कर सकते हैं, वीडियो बनाए, कुछ भी इस टॉपिक पे आप दे सकते हैं। लास्ट टॉपिक है रेजिंग टीन्स, ठीक है। रेजिंग टीन्स के टॉपिक पे जैसे कि बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, इस तरह की जो है पेरेंटिंग वगैरह के ऊपर अगर आप कुछ कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, तो ये एक बार सारा इसको आपने रीड कर लेना है और इसके मुताबिक अगर आप कुछ भी बनाएंगे, ठीक है, जो भी मैंने चीज़ें बताई, फोटोग्राफ वगैरह, वीडियोस, लोगोस, कुछ भी हो सकता है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जनवरी या फरवरी में ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है। तो इनसाइट्स हमें क्या मदद दे रहा है कि ये हमें वो चीज़ें बता देते हैं जो कि इनके पास कम हैं शायद, और हम इस पर वर्क करें तो इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट मंथ फरवरी में इसकी सेल अच्छी हो सकती है। तो ये है शॉर्ट लिस्ट हमारी इस हेल्प के लिए कि अगर आप चाहते हैं फास्ट ग्रो करें अपना अकाउंट, जो चीज़ हम अपलोड करें फौरी डाउनलोड भी हों, लोग ख़रीदें, तो आप इन साइट्स के अंदर द शॉर्ट लिस्ट पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रीब्यूटर ब्लॉग। कंट्रीब्यूटर ब्लॉग में तरह तरह के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं जो बड़े सीनियर लोग हैं उन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक एक लिंक पड़े हुए हैं, आप इनको ओपन करके सारे ये देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स सारी, मतलब हर टॉपिक पे व्हाई RGB लाइट्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर फिल्म मेकिंग, लाइक जो वीडियोग्राफी करनी है तो उसमें RGB का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सिनेमैटिक होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें, कलर ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए और एडिटिंग कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं। और ये अभी आगे और भी पेजेस हैं, नेक्स्ट करेंगे तो हम आगे आ जाएंगे, ठीक है, उसमें हम देख सकते हैं ये। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे बड़े जो बैठे हुए हैं यहाँ पे उस्ताद लोग, उन्होंने इनके ऊपर ट्यूटोरियल्स बना बना के डाले हुए हैं, तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको उसकी कोई ना कोई रहनुमाई मिल जाएगी। लास्ट चीज़ है यहाँ पे
अर्निंग्स ये सामने आपको दिखती हैं यहाँ पे, अभी तो ज़ीरो है क्योंकि फ्रेश अकाउंट है बिल्कुल। डैशबोर्ड पे वापस आते हैं यहाँ क्लिक करके। अच्छा जी, जो अब ऊपर का जो ये एरिया है मिड का, ये सारा एड्स में जा रहा है। पहले डिफरेंट था इंटरफेस, अब डिफरेंट हो गया है। तो ये देखें, आपको ये एड्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये शटर स्टॉक ने अपने में, ये भी इन्होंने अपने वो टिप्स वगैरह दी हुई हैं, ये भी एरिया एड में। असल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डैशबोर्ड, जिसमें सबसे पहले पोर्टफोलियो स्टेटस है आपका, जिसमें चीज़ें वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉट सबमिटेड, पेंडिंग अप्रूवल, रिसेंटली रिव्यूड और इमेज पोर्टफोलियो। सेम यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, इमेजेस देखनी है जो आपने अपनी अपलोड की हुई है, और अगर वीडियोस देखनी है तो यहाँ पे वीडियोस पे जाके आप देख सकते हैं, उसका भी मेन्यू सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये अपलोड का बटन दिख रहा है कि वो आपको मतलब शो करा रहा है कि आपके पास कुछ नहीं, अभी इस पर क्लिक करें और अपलोड करें। तो हम जस्ट क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं जब वो इतना इसरार कर रहे हैं, तो ये विंडो खुल जाती है जब आप अपलोड पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले एक पॉपअप होता है, ये पॉपअप में आपको बताएगा फर्स्ट टाइम में कि आपको इमेज कैसी देनी है। जेपीजी फाइल देनी है, एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल की हो, ठीक है, मिनिमम 4 मेगापिक्सल की फाइल देनी है। और अगर वीडियो दे रहे हैं तो MOV फॉर्मेट होनी चाहिए या MP4 फॉर्मेट होनी चाहिए, और उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 सेकेंड, मैक्सिमम 60 सेकेंड। यही है वो 5 सेकेंड की बात कर रहा था मैं, जिसमें आपको और काफ़ी लोगों ने जो है उस पर रिस्पॉन्स किया था। तो उसके अलावा वेक्टर, अगर वेक्टर दे रहे हैं तो EPS फाइल में देनी है आपने, ठीक है, कोशिश यही रखनी है। लोग वेक्टर को JPG भी सबमिट करवा देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ EPS कराएं, ताकि क्लाइंट जब डाउनलोड करे उसके पास फुल जो है कमांड हो, वो अपनी मर्ज़ी से लेयर्स को आगे पीछे कलर्स को चेंज कर सकता हो ईजीली। इसको जस्ट गॉट इट करते हैं, हम जस्ट अपलोड की तरफ जाते हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट फाइल कर रहा हूँ, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करूँगा तो ये खुल जाती है एक विंडो। मैं कोई भी डैशबोर्ड से फाइल उठा लेता हूँ, लाइक मैंने एक पाकिस्तान की बैकग्राउंड है ये उठा ली, ठीक है। उसके बाद जब ये अपलोड हो जाएगी तो ये बार ख़त्म हुई, अब नेक्स्ट का बटन रेड हो जाएगा, हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है ऐड डिटेल्स एंड सबमिट योर वर्क फॉर रिव्यू, ठीक है, स्टार्ट एडिंग डिटेल्स पे क्लिक कर दें, ये वन टाइम ही आएगा, उसके बाद नहीं आता। अच्छा, अब आपकी फ़ाइल यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी सबमिट मेन्यू में पड़ी हुई है, अभी फाइल जस्ट फ्रेशली अपलोड हुई है, इसका मतलब अभी ये नहीं है कि ये अब सेल होने के लिए तैयार है, नहीं, इसको हमने मेटा डाटा प्रोवाइड करना है। मेटा डाटा क्या होता है, कंप्यूटर की नज़र में अभी जस्ट एक इमेज है, इसको नहीं पता कि अंदर क्या है, तो हमें ही उसको ये बताना है कि इस इमेज के अंदर क्या क्या है। हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं कहीं भी, तो आप देखें अब राइट साइड पर आपके पास डिटेल्स ओपन हो गई हैं। अब ये JPG फाइल थी, तो JPG फाइल जब आई है सामने तो ये ऊपर दो ऑप्शंस मेरे पास दिख रही हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं ये फ़ोटो है या इलस्ट्रेशन है। तो शटरस्टॉक की ज़ुबान में फ़ोटो वो चीज़ होती है जो कैमरे से निकली होती है, लाइक मोबाइल कैमरे से हो, DSLR से हो, ड्रोन से हो, या किसी मिररलेस कैमरे से हो, ठीक है, कैमरे की जो फाइल होगी ना फ्रेश, मतलब उसमें कोई आपने एडिटिंग इस हवाले टेक्स्ट ऐड नहीं किया होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वो फ़ोटो है, ठीक है, उसमें आप एडिट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह इन्हेंस करें, वो फ़ोटो ही रहेगी। लेकिन अगर आपने उसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया अपनी तरफ से, या कोई भी चीज़ डिज़ाइन एलिमेंट डाल दिया, तो फिर वो फ़ोटो नहीं रहती, वो इलस्ट्रेशन हो जाती है। तो अभी क्योंकि ये JPG फाइल है और ये कैमरे की नहीं है, मैंने Adobe Illustrator में इसको डिज़ाइन किया था, ग्रीन बैकग्राउंड पे मैंने लाइट ग्रीन से पाकिस्तान का एक पैटर्न बनाया था, तो ऑब्वियसली ये इलस्ट्रेशन में जाएगी। आपकी EPS फाइल भी जो है इलस्ट्रेशन में ही जाती है, जो वेक्टर आप डिज़ाइन बनाएंगे किसी भी चीज़ का बनाएंगे, उसकी आप JPG भी देंगे तो आप इलस्ट्रेशन ही रखेंगे। नेक्स्ट है यूजेज, यूजेज क्या रखते हैं, नॉर्मली तो कमर्शियल रखते हैं, अब एडिटोरियल की भी ऑप्शन है। मैं ये कंटेंट क्योंकि मैंने खुद बनाया था तो मैं इसको कमर्शियल सेल कर सकता हूँ। अगर इस डिज़ाइन में मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ की थी कि जो मेरी नहीं थी, लाइक मैंने इसके अंदर कोई ब्रांड का नाम यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, ये सुपर बिस्किट है, सुपर का जो है ब्रांड, ल्यू का बिस्किट है इसका ब्रांड का नाम, या लेज है, लेज का नाम अगर मैं बीच में एक लोगो ऐड कर देता था उनका, तो इस सूरत में जो है शटरस्टॉक को ये लगना था कि मैं लेज का लोगो बीच में रख के सेल कर रहा हूँ, लाइक मैं उनका लोगो जो है रीसेल कर रहा हूँ, तो ऐसी बाहर के ममालिक में
तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में इजाज़त नहीं है कि आप किसी का कंटेंट उसकी इजाज़त के बगैर सेल करें। अगर आपके पास उसकी इजाज़त है कि लेज़ वाला उनका है, ठीक है, आप हमारे, और उसका इजाज़त नामा आपको मिल जाता है, वो यहाँ से रिलीज़ फॉर्म मिल जाते हैं, वो आप उसको साइन करवाना होता है, तो फिर आप इसको कमर्शियल सेल कर सकते हैं। और अगर आपने मजबूरी है डिज़ाइन में आपने लेज़ का लोगो यूज़ भी करना है और उसको सेल भी करना है, तो फिर आप इसको कमर्शियल नहीं, आप एडिटोरियल में जाके इसको सेल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सेम इसी तरह फ़ोटोज़, अगर ये फ़ोटो होती कैमरे की, कोई फ़ोटो होती और कैमरे से फ़ोटो ली आपने किसी सड़क पे राह चलते लोगों की, या किसी ऐसी फ़ीमेल मॉडल की, या किसी मेल मॉडल की, या किसी भी ऐसे शख्स की आपने पिक्चर ली और उसकी इजाज़त नहीं थी, ठीक है, लाइक आपने रैंडम एक पिक्चर ली, या अगर आप फैशन फोटोग्राफर हैं, आपके पास तो बहुत डाटा होता है फीमेल्स का, मेल्स का, पिक्चर आपके पास पड़ी रहती हैं, आपने ऐसा नहीं करना कि वो यहाँ पे लाके बेची जाना है, बेचेंगे तो इजाज़त के बगैर ही बेच रहे हैं, जाहिर से बात है, फिर आपने इसको एडिटोरियल मोड पे रख के सेल करना है, क्लियर। और अगर उनकी इजाज़त थी तो आप उसको कमर्शियल सेल करेंगे, लेकिन यहाँ से वो जो आपको फॉर्म मिलेगा ना रिलीज़ फॉर्म, वो आपने उस मॉडल से लाजमी साइन कराना होगा, वो साथ सबमिट होता है, सबमिट होगा तो ही जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे केस में क्या है, अभी एक डिजिटल फाइल है मेरी अपनी है, तो मैं इसको कमर्शियल सेल कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे पहले जो है हमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि ये क्या है, हमें बताना होता है इसको, तो मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। हमारे पास 200 अल्फ़ाबेट्स की जगह है, तो इसको आप खुल के लिखें, ठीक है, हमें इसमें आप अपने टैग्स भी यूज़ करें, सेंटेंस बनाएं प्रॉपर। मैंने कोशिश की है कि एक सिंपल सा एक टेक्स्ट मैंने टाइटल दिया है इसको, जिसमें मैंने ग्रीन बैकग्राउंड पाकिस्तान टेक्स्ट और बैकग्राउंड 14 अगस्त 23 मार्च, ये टैग्स मैंने सारे एक सेंटेंस की सूरत में लिखे हैं। उसके बाद कैटेगरीज होती हैं, पहली कैटेगरी देना लाजमी है, दूसरी ऑप्शनल है। पहली में हम दे देते हैं इसको, यह एक बार सारी पढ़ लीजिएगा सारी कैटेगरीज ना, आपको ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो मेरे केस में मुझे लगता है ये बैकग्राउंड्स में जा सकता है, क्योंकि मैंने तो इसे एज अ बैकग्राउंड ही डिज़ाइन किया है। सेकंड ऑप्शनल है, ना दें तो कोई मसला नहीं है, दे दें तो अच्छी बात है, अगर दे दें तो वो भी ठीक है, एजुकेशनल या आर्ट्स में डाल दें, ठीक है। उसके बाद लोकेशन है, लोकेशन भी ऑप्शनल है। शटरस्टॉक क्या कहता है कि लोकेशन इन फ्यूचर हम यूज़ कर सकते हैं इस फ़िल्टर को, बाय लोकेशन भी डाटा हम सर्च करवा सकते हैं क्लाइंट से, जब क्लाइंट डाटा सर्च कर रहा होता है तो हम मे भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अभी ऑप्शनल है, तो दे दें तो अच्छी बात है, बाद में हमारा क्या रहता है। अभी मैं लाहौर में हूँ, मैंने एक डिज़ाइन लाहौर में बनाया है, तो मैं लाहौर की लोकेशन डाल देता हूँ, ठीक है, लाहौर लिखता हूँ, नीचे ये आ जाता है, मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये दो ऑप्शन है आपने छोड़ देनी है, अभी ये प्रो लेवल पे है अभी, ठीक है, आपने इसको इग्नोर करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके हैशटैग्स, हैशटैग्स में आपके पास 50 टैग्स की इजाज़त है, और आपने कोशिश यही करनी है 50x50 ही फिल करने हैं, इससे कम नहीं करने, ठीक है, कम करेंगे तो आपकी फ़ाइल की रैंकिंग कम होगी, SEO कम होगी, और वो सर्च में भी बहुत कम आएगी, तो यही चांस है आपके पास जो है यहाँ पे। और टैग्स फ्री हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, तो भर दें इसको। सबसे पहले जो है आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, आपके पास लिखने के लिए एक ऑप्शन आ रही है, लाइक मैं ऐसे टैग्स लिख देता हूँ जो मुझे ही पता है कि इस फाइल के साथ क्या हो सकते हैं, लाइक 14 अगस्त, ठीक है, पाकिस्तान 23 मार्च और इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, वो भी आ गया, और मतलब इस तरह के आप बैकग्राउंड, यूट्यूब पाकिस्तान, अच्छा ये एक ही टैग इंक्लूड होगा, मैंने हालांकि इसके अंदर 4 वर्ड यूज़ कर लिए हैं, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान बैकग्राउंड, ये मैंने 4 वर्ड यूज़ किए हैं, लेकिन ये टैग एक ही कंसीडर होगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है, अपने टैग्स लेंथ ही रखा करें, ताकि आप 50 टैग्स में कम से कम 200 की कीवर्ड्स आपके एंटर हो जाएँ, ठीक है।
तो इस तरह से चार चार वर्ड्स पे इंक्लूडेड आपके होंगे, तो ये आपके पास एक मैं टिप बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग एक एक वर्ड ही लिख कर जो है ना अपने 50 लफ्ज़ पूरे कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एक टैग में ही चार वर्ड्स लिख के इस तरह से बना रहे हैं लेंथी, तो आप 200 टैग्स पुट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे कीवर्ड सजेशंस भी होती हैं। AI जो है उनका आपका थंबनेल रीड करके जो है कुछ सजेस्ट खुद से भी करता है कि ये भी हो सकता है। तो अगर आप मुझे कुछ इनमें से लग रहे हैं ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लाइक बैकग्राउंड है, एब्स्ट्रैक्ट है, डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन भी है, इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट, डिजिटल है, वॉलपेपर, लैंग्वेज नहीं है, बाइनरी सोर्स। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि अब बाकी जो है इररिलेवेंट हैं, मुझे नहीं पसंद आ रहे, लेकिन अभी तक तो 14 ही हुए हैं, अब क्या करें। तो अभी भी घबराना नहीं है, अभी भी ऑप्शन है। सबसे नीचे आए देखें, फाइंड मोर कीवर्ड्स की ऑप्शन दिख रही होगी आपको, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। यानी शटरस्टॉक अब हमें अपनी तरफ से भी टैग्स देगा। शटरस्टॉक का एक कीवर्ड टूल है जो कि अपनी लाइब्रेरी में से आपको मज़ीद टैग्स दे देता है, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक उनके AI ने मेरा थंबनेल रीड करके उससे रिलेटेड फाइल्स अपनी लाइब्रेरी से निकाल दी हैं कि ये मैच कर रही हैं, लेकिन मैच तो नहीं एग्जैक्ट कर रही, लेकिन उसने कोशिश की है कि निकालने की, और साथ में एक मैसेज आ रहा है कि सिलेक्ट 3 और मोर, तो फिर ये आपको टैग्स दिखा देंगे। और अब मैं कोशिश करता हूँ जो मेरी फाइल से रिलेटेड करीब करीब है, मैं कोई से 3 पकड़ लेता हूँ। इनमें से वैसे तो कोई भी सेम नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है। या हम यूँ कर सकते हैं, एक चीज़ और मैं बताने भूल गया, आप यहाँ पे सर्च कर लें पाकिस्तान फ्लैग बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है उसकी सर्च ने ठीक नहीं इमेज दिखाई, जैसे अभी इन केस मेरे केस में हुआ नहीं दिखाए, तो मैं ऊपर सर्च कर रहा हूँ। अब मैंने एंटर किया है और यहाँ से मैंने जो है फ़ोटोज़ का वेक्टर का लगा दें, क्योंकि मैंने वेक्टर ही वो दिया था एक JPG बना के। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड्स आ गई हैं। इनमें से मैं कोई सी 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास रेलेवेंट टैग्स आ जाएंगे जो एग्जैक्टली लोगों ने पहले यूज़ किए थे। अब मैं एक ये कर रहा हूँ, एक ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं। 3 फाइल सिलेक्ट करते ही मेरे पास यहाँ पर टैग्स शो हो गए, बिल्कुल फ्री हैं, अभी तक मैंने कोई पैसे नहीं खर्च किए, आपके सामने फ्री में बन रहा है। अब देखिए, बैनर भी है, हॉलीडे फ्लैग, पाकिस्तान फ्लैग, सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, कार्ड, पोस्टर, लेआउट, ग्रीन, पाकिस्तानी, फ्रीडम, रिपब्लिक, सिंबल, कंट्री, पेट्रियाटिक, इस्लामाबाद कर लेते हैं कैपिटल है, एनिवर्सरी, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रेट, और लाहौर कर लेते हैं एक, उसके बाद कंट्री फ्लैग, ग्रीटिंग, अनाउंसमेंट, और एशिया, बैज, नेशनैलिटी, पेट्रियाटिज्म, पीस, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, प्राइड, ग्रीन फ्लैग, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे और रेवोल्यूशन। ये जी 50 पूरे हो गए किसी तरह से, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप एक भी सिलेक्ट करेंगे तो वो रेड कर देगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है बैक आ जाएं, और ये ऊपर से अब हमने क्योंकि नई विंडो खोली थी, अब हम क्रॉस करके वापस आ जाएंगे अपनी सबमिट कंटेंट के मेन्यू में। अच्छा, अब चीज़ें देख लें अभी तक जो हमने दी सारी चीज़ें फिल करने के बाद, फाइल के ऊपर भी एक ब्लू टिक आ गया है, तो मींस अब ये गुड टू गो है। अब जस्ट आपने क्या करना है, नीचे ये रेड कलर का सबमिट बटन है, इसको आपने प्रेस कर देना है, तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगी, आपको मतलब इधर नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कहाँ गई, ये नेक्स्ट मेन्यू में चली गई है, पेंडिंग मेन्यू में। पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल इधर पड़ी हुई है, ठीक है, और साथ में एक मैसेज आ रहा है, योर पेंडिंग आइटम्स विल बी रिव्यूड विद इन 5 डेज, यानी कि मैक्सिमम ये 5 डेज लेंगे, क्योंकि इनके पास पूरी दुनिया से लोग डेटा दे रहे होते हैं, तो उनको भी टाइम लग जाता है। तो कभी ये देखने में भी आया कि 10 मिनट में भी हो गई है, 1 घंटे में भी हो गई है, ये मुख्तलिफ टाइम होते हैं, तो आपने यहाँ पर भी घबराना नहीं है, फाइल अपलोड करके वेट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही ये रिव्यू हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक आपकी फ़ाइल रिव्यूड के मेन्यू में आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी फ़ाइल नज़र आ जाएगी, और अगर साथ में ग्रीन टिक होगा तो मींस ये ओके है। उसके नीचे एक कोड भी होगा फाइल का, वो आप shutterstock.com पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल लाइव है अब, यानी कोई भी ख़रीद सकता है। और अगर रेड क्रॉस आ जाता है, लाइक रिजेक्शन हो जाती है, तो साथ में रीज़न भी लिखी आ रही होती है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो रीज़न ही नहीं बताते, तो यहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलती है, अगर आपकी फ़ाइल में कोई मसला है, कुछ है, तो ये आपको बताएंगे।
ठीक है, आप उसको दोबारा इम्प्रूव करें, दोबारा से सबमिट करा सकते हैं, इसमें कोई वो बैन होने वाला कोई सीन नहीं अभी। तो ये था फाइल अपलोड करने का तरीका अभी तक। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना तो कमेंट में मुझे लिखें अगर आपने जो है कि मैंने यहाँ तक देख ली है, ठीक है, मुझे लिखें, वलीद आरफीन टैग करें। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे वापस जा रहे हैं लोगों पे क्लिक करके। अच्छा, अभी जो देखने में आ रही है हमारे पास, अब एक ऊपर एरर आ गया है ये रेड कलर में। वो एरर क्या है, वो कह रहा है अपनी पे आउट डिटेल्स सेट कर लें। ठीक है, तो पे आउट डिटेल्स कैसे सेट होंगी, ये सबसे नीचे इधर आ जाएं आप, देखें लेफ्ट पे, बॉटम लेफ्ट पे आप देखें ये अकाउंट का बटन है, इस पर क्लिक करते ही जो है आपके पास सबसे पहले ऊपर अकाउंट सेटिंग्स आ रही हैं, फिर एक पब्लिक प्रोफाइल आ रही है। अकाउंट सेटिंग्स पे आप क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद जो है आपने ये नीचे आना है, ये है आपका पे आउट इन्फॉर्मेशन, लाइक जो पे आपने पेमेंट कैसे लेनी है यहाँ से। ठीक है, तो ये है नॉन सिलेक्टेड, तो हम इसको करेंगे यहाँ से पेनियर। ठीक है, और अच्छा पेनियर करने के बाद जो है ये आपका यहाँ पे वो जिस ईमेल पर आप रिसीव करना चाहें वो आप वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद मिनिमम इनका पे आउट होता है $35, $35 से कम आप नहीं निकलवा सकेंगे, और $35 करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस एक वीडियो सेल होने की देर है आपकी, तो आप 35 अचीव कर लेंगे। बाकी अगर वेक्टर और इमेजेस कर रहे हैं तो वो आपको थोड़े सेंट्स में पैसे मिलते हैं, उसमें ज़रा टाइम लग जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे जिनके अकाउंट पहले से बने हुए हैं वो जस्ट रेड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और अकाउंट अपना कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर किसी का नहीं बना हुआ तो वो क्या करें, अगर बनाना चाहते हैं नया, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, पेनियर का रेफरल लिंक है, इस पर क्लिक करके अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो $25 पेनियर की तरफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ अगर नहीं बना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें, पेनियर का पड़ा होगा, उस पर क्लिक कर लें और अपना आईडी बना लें सारा। उसका जो ट्यूटोरियल होगा वो मैं नेक्स्ट बना देता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि कैसे बनाना है। तो अगर बना हुआ है तो यहाँ से कनेक्ट कर लें, नहीं बना तो नीचे से बना लें और फिर आप जो है यहाँ पे आके कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर जब कनेक्ट हो जाएगा फिर आपने ये सेव कर देना है इसको, अभी मैंने नहीं किया तो इसको नॉन सिलेक्टेड करके सेव कर देते हैं। अच्छा, दूसरा सेटिंग्स क्या थी, पब्लिक प्रोफाइल की सेटिंग्स थी, अकाउंट में जाके आपने पब्लिक प्रोफाइल में आना है। अच्छा, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं फिल करना, और उनकी जो प्रोफाइल होती है वो रैंक नहीं कर रही होती, तो ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। सब जब हम पब्लिक प्रोफाइल में आएंगे सबसे पहले अपलोड की ऑप्शन होगी, अपलोड में जाके आपने अपनी कोई भी पिक्चर दे देनी है। ठीक है, कोई फेस की दे दें, ये फ्लावर की मेरे पास पड़ी, मैंने फ्लावर की दे दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है डिस्प्ले नेम आपका, ये आपका डिस्प्ले नेम आया करेगा प्रोफाइल पे। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोफाइल का URL है, लाइक आप किसी को अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं इसके पे क्लिक करें, ये आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इस तरह से। और यहाँ पे आपने देना अपना वेबसाइट का लिंक। ठीक है, कोई भी आपकी वेबसाइट हो, कोई पोर्टफोलियो की हो, Behance पे बनाया हो, कोई YouTube पे आपका पोर्टफोलियो है, या किसी भी Facebook पे है, Instagram पे है, किसी भी चैनल पे है, वो आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मैंने Behance का लिंक दे दिया। टैगलाइन में आपने अपने बारे में थोड़ा सा बता देना है कि आई एम प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। ठीक है, उसके बाद लोकेशन आपने दे देनी है, जिस जगह पे भी हो, पी प्रेस करें पाकिस्तान। उसके बाद अबाउट है, अबाउट में आपसे पूछ रहा है कंट्रीब्यूटर टाइप क्या है, आप किस तरह के डाटा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी देना चाहते हैं तो सिर्फ फोटोग्राफी कर लें, सिर्फ अगर आप इलस्ट्रेशंस देना चाहते हैं तो इलस्ट्रेशंस कर लें, या सिर्फ वीडियोस देना चाहते हैं तो वीडियोस, और अगर आप तीनों ही देना चाहते हैं आप तीनों सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद स्टाइल्स, स्टाइल्स में आप जाएंगे तो आप, वो पूछ रहा है कि कोई से तीन स्टाइल्स बता दें जो आपको पसंद लगते हैं। ठीक है, तो मैं, मुझे जो पसंद है, एक तो नेचर मुझे अच्छा लगता है, फैशन फोटोग्राफी मुझे अच्छी लगती है, पोर्ट्रेट अच्छा लगता है। ठीक है, ये मैंने तीन रैंडम से सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, जो मेरे ज़ेहन में अच्छे लग रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जो आपका हो। उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं, कह रहा है कि सब्जेक्ट्स कोई से पांच बताने हैं आपने, कि किन सब्जेक्ट्स पे आप काम करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्चरल है, उसके बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ फाइन आर्ट, उसके बाद कर लेते हैं फोटोग्राफर। ठीक है, और
पांच करने हैं, तो एक टेक्नोलॉजी, एक वेडिंग, ठीक है, ये मेरे पांच ये सिलेक्ट किए, इससे ज़्यादा नहीं सिलेक्ट होंगे। उसके बाद इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में आपने बताना होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है कि इक्विपमेंट नहीं रिजेक्ट होता, जस्ट आपने नाम बताना है। लाइक आप कैमरा यूज़ करते हैं, कैनन 5D मार्क 4, ठीक है, मैंने मॉडल लिख दिया, नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह टैग हो जाता है। इसी तरह के आप मिनिमम पांच नाम देने हैं तो मैक्सिमम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का नाम लिख दें, डॉग फोटोशॉप, और अगर आप मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल का मॉडल लिख दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कंप्यूटर पे एडिटिंग करते हैं तो उसका लिखते हैं इंटेल कोर i7 मशीन है आपके पास, मतलब, और अगर राइजन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब एक नाम जो है वो आप कोई भी कर लें, निकॉन, ठीक है, मतलब रैंडम से आपने जो है, अगर आप जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं तो लिख लें, अगर नहीं पता तो आप फिर इस तरह लिख लें, ठीक है। बायोग्राफी में आपने अपने मुतल्लिक थोड़ा लेंथी बताना होता है कि आप क्या हैं, ठीक है, तो मैंने रैंडम साइट लिख दी है बायोग्राफी। उसके बाद सोशल मीडिया के हैंडल्स देने हैं आपने यहाँ पे, ठीक है, हैंडल्स में किस तरह से देने होंगे, आप मोबाइल से तो आपको ये शो नहीं होंगे, आपने पीसी पे जाना है तो वहाँ जाके जो आपका प्रोफाइल का यूआरएल होता है ना, ठीक है, लाइक अगर मैं फेसबुक का यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरा फेसबुक का यूआरएल है, ठीक है पूरा, तो इसको हमने कितना देना है, हमने इतना देना है जस्ट, ठीक है, क्योंकि facebook.com और स्लैश तक तो उसने लिखा हुआ है, मुझे उसके आगे का देना है, तो उसके आगे में क्या आएगा, बाकी का वो खुद कंप्लीट। सेम इसी तरह इंस्टाग्राम का आपने करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम वलीदा हकीन है, लिंक्डइन का भी करना है तो लिंक्डइन का भी मेरा वलीदा हकीन है, और ट्विटर भी मेरा वलीदा हकीन है, ठीक है, ये सारे आपने कर लिए, ठीक। उसके बाद आपने जस्ट सेव कर देना है, ठीक है, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे ये ग्रीन टिक आ जाएगा कि ओके आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद होम के बटन पे क्लिक करके हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। तो अभी तक हमारी प्रोफाइल सेट हो चुकी है, हमारी पिक्चर भी लग गई है, अब मिसिंग आ रही है जस्ट पे आउट डिटेल्स, तो ये आप पेनियर का जो अकाउंट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, आप वो देख लीजिएगा कि वो अकाउंट कैसे बनता है, तो वो कर वीडियो देख के आप यहाँ पे आके अकाउंट में, और यहाँ से अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे, और नीचे आके यहाँ से आपने इसको पेनियर करके अकाउंट बनाने के बाद यहाँ से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था जो मुझे लगा कि ये समझाना चाहिए कि एक जो लेमैन है वो किस तरह से यहाँ पे शटरस्टॉक पे अपनी आईडी बना सकता है। तो ये था एक बेसिक सा जो है ट्यूटोरियल। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मुझसे लिख लें, नीचे कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने का। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे तो कमेंट में जो है मेरा नाम लिखें, वलीद आरफीन, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ठीक है आपने यहाँ तक वीडियो देखी थी। और जाते जाते जो है ना, बस यही कहूँगा कि सीखें और इस पर अमल करें जो भी सीख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किलात हैं आएंगी शुरू शुरू में, आपको ज़रा मुश्किल लगेगा, लेकिन मेरी माने सीरियसली बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और ये स्टार्टिंग में तो आपका एक साइड हसल, एक पैसिव इनकम सोर्स होगा, लाइक आप मेन सोर्स में कोई अपनी जॉब भी कर सकते हैं, साथ साथ जो है इसमें भी अर्निंग स्टार्ट होती हैं, फिर आपको काम करने का मज़ा आने लगता है, फिर एक टाइम आता है आप इसको फुल टाइम देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये सारा जो है प्रोसीजर समझ आया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत वलीद आरफीन ब्लॉग।